नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की राशन कार्ड के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। डीलर की मनमानी के खिलाफ लाभुकों ने किया शिकायत और किया प्रदर्शन और हंगामा। क्या शिकायत करने पर क्या फैसला हुआ? और बहुत जगहों से ये खबर निकल कर आ रही है कि डीलर ने अभी तक अगस्त माह का अनाज वितरण नहीं किया है। अगर आपको अभी तक अगस्त माह का अनाज नहीं मिला है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अगस्त माह का अनाज नहीं मिला है तो आपको किस प्रकार से लेना है, क्या करना है? अगर आपको डीलर नहीं दे रहा है तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, मैं सारा जानकारी जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो को आप लोग कंटिन्यू जरूर देखिएगा, तभी जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इससे पहले वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके और सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिएगा। डीलर की मनमानी के खिलाफ लाभुकों ने किया प्रदर्शन। देखिए यहाँ पर जो है क्या फैसला लिया गया है। यहाँ पर सेवा पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाले केतुरु नवादा गांव के दर्जनों लाभुकों ने जन वितरण प्रणाली के विक्रेता पर महीनों से अनाज वितरण में अनियमितता बरतते जाने का आरोप लगाते हुए दुकानदार का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। यानी कि जो है यहाँ पर कई महीनों से जो है अनाज वितरण में अनियमितता बरतते हुए यहाँ पर जो है जाने के आरोप में जो है डीलर का जो है घेराव कर जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। और वही मामले को लेकर पीड़ित लाभुकों द्वारा इसकी लिखित शिकायत वीडियो की दौर से भी की। केतुरुनावादा गांव के ग्रामीण लाभुक मोहम्मद मुमताज शाहिद जो है हम लाभुकों के बीच राशन वितरण करने में हर माह के राशन उठाव के दौरान अनियमितता बरती जाती है। पीडीएस विक्रेता द्वारा हम लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली दाल बिना तौल के ही मुट्ठी भर कर भिक्षा के रूप में दिया जाता है। आने की जो है यहाँ पर कुछ जगहों पर ऐसे डीलर ने हरकती कर रही है। यहाँ पर जो है दाल वितरण करने के संबंध में जो है बिना नापे तौले हुए जो है यहाँ पर मुट्ठी से जो है लाभार्थियों को जो है यहाँ पर दिया जा रहा है भिक्षा के रूप में। सही माप से अनाज वितरण की मांग की जाती है तो उक्त दुकानदार द्वारा डांट डप कर भगा दिया जाता है। बहुत ऐसा डीलर जो है इस प्रकार से हरकतें कर रही है और लाभार्थियों ने सही से नाप तौल करने की मांग करती है तो यहाँ पर डीलर ने झाड़ झपेट कर एवं डांट कर जो है वहाँ से भगा देता है। इस प्रकार से जो है बहुत ऐसे डीलर जो है इसमें शामिल है। गुरुवार को हम केतुरु नवादा के उपभोक्ताओं ने जन वितरण दुकान पहुँच दुकानदार इंद्रदेव पासवान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदार के मनमानी के लिखित शिकायत पर खंड विकास पदाधिकारी से की है। बहुत ऐसे डीलर जो है अपना मनमानी करती है, अपना मनमौजी जो है यहाँ पर राशन वितरण करती है। इसी के संबंध में जो है बहुत ऐसे डीलर पर जो है यहाँ पर शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत दर्ज करने के बाद जो है यहाँ पर कहते हैं प्रभारी प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी जो है उक्त मामले को लेकर प्रभारी प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी राजनपति वर्मा से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि लाभुकों का शिकायती आवेदन मिलते ही मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। जैसे जो है प्रभारी प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के पास जो है शिकायत आवेदन मिलते ही वहां पर जो है डीलर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहां पर जो है एक जगह का ये बात नहीं है, यहां पर भी देखिए डीलर की मनमानी को ले उपभोक्ताओं का हंगामा। देखिए यहां पर बहुत ऐसे डीलर जो है यहां पर इस प्रकार की जो है हरकतें कर रही है। प्रखंड क्षेत्र के गांव कुआवा राशन उपभोक्ताओं ने डीलर के मनमानी रवैया के खिलाफ गुरुवार को प्रखंड कार्य पहुँच जमकर हंगामा किया तथा संबंधित डीलर के खिलाफ सामूहिक रूप से हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन वीडियो सह एमओ अब्दुल क्यूम को दिया। इस बाबत उपभोक्ताओं मोहम्मद सोहराब मोहम्मद यहां पर नाम दिया गया है आदि का कहना था कि डीलर द्वारा चना कम दिया जाता है। देखिए यहां पर जो है बहुत ऐसे डीलर जो है राशन वितरण करने में जो है यहां पर कटौती कर देती है। जैसे में यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है डीलर द्वारा जो है चना कम दिया जाता है, वही राशन उठाव के दौरान सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य से राशि भी अधिक लिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है राशि भी अधिक लिया जाता है और अनाज भी कम दिया जाता है। इस प्रकार से जो है शिकायत बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर वीडियो सह एमओ ने बताया कि आवेदन मिला है, मामले की जांच की जाएगी, दोषी पाए जाने पर डीलर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वीडियो सह एमओ
के पास जो है ये आवेदन जो है पहुंच गई है, ये शिकायत जो है पहुंच गई है। यहाँ पर बहुत जल्द जो है यहाँ पर जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर जो है डीलर के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। देखिए और यहाँ पर देखिए, राशन नहीं मिलने पर जताया विरोध। झाझा की बारकोल्ला पंचायत के ग्रामीणों के अगस्त पूरा माह बीत जाने के बावजूद उक्त माह का राशन नसीब नहीं हो पाने के विरोध में गुरुवार को भाकपा माले की बारकोल्ला पंचायत कमेटी के बैनर तले पंचायत के ग्रामीणों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। देखिए यहाँ पर जो है बहुत जगह पर जो है अभी तक अगस्त माह का अनाज जो है वितरण नहीं हुआ है, नई डीलर ने वितरण किया है। माले नेता सह बारकोल्ला पंचायत के मुखिया रमेश यादव ने नेता रमेश यादव की अगुवाई में स्थानीय प्रखंड कार्यालय परिसर में जुटे ग्रामीणों का आरोप था कि एक और पीला कार्डधारियों को राशन बंद कर दिया गया है और कार्डधारियों को भी पूरा अगस्त माह बीत जाने के बावजूद डीलर द्वारा उनके हक के राशन आपूर्ति नहीं दी गई है। बेरोजगारी की वजह से गरीब गुरबे ग्रामीणों एवं मजदूरों का पहले ही बुरा हाल हो रखा है। और यहाँ पर देखिए, सड़कों की बदहाली एवं राशन की गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन। देखिए ये जो शिकायत है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है, बहुत ही जगहों से जो है एक शिकायत देखने को मिल रही है। अगर आपका भी डीलर इस प्रकार से हरकतें करती है तो आप लोग जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आज इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं एवं जो है आप लोग ईमेल एवं टोल फ्री नंबर के मदद से जो है आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए मैं दोनों पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, दोनों वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या इसी वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर ओपन होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको जो है राशन कार्ड से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, जैसे में आपके राशन कार्ड में किसी मेम्बर का नाम छूट गया है, अगर आपको एड नहीं हो रहा है या आपका डीलर राशन नहीं दे रहा है, राशन कार्ड के रिगार्डिंग कोई भी परेशानी हो, आप जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं टोल फ्री नंबर से या ईमेल के जरिए या ऑनलाइन जो है आप लोग फॉर्म फिलअप करके जो है आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप लोग जब भी शिकायत दर्ज कीजिएगा आपको जो है एक ग्रुप होना चाहिए, आप लोग एक या दो आदमी से जो है शिकायत दर्ज कीजिएगा तो आपको जो है बात का जो है सुनवाई नहीं की जाएगी। आपको जो है 8-10 आदमी को जो है एक ग्रुप बनाकर जो है आप लोग को शिकायत दर्ज कर, तभी जो है आपका शिकायत पर जो है जाँच की जाएगी, दोषी पाने पर जो है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप अकेले शिकायत दर्ज करते हैं तो आपको जो है कोई भी सुनवाई नहीं होगा। अगर आपको राशन कार्ड के रिगार्डिंग कोई भी परेशानी हो तो आप लोग जो है डायरेक्ट शिकायत दर्ज कीजिए, आपको जो है समस्या का समाधान बहुत जल्द ही कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इसके रिगार्डिंग। आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।